बंद रहेंगे, लेकिन उनके जितने एम्प्लॉयज हैं उनको ऑन ड्यूटी माना जाएगा। तो सभी प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स को अपने अपने कर्मचारियों को इस दौरान जब लॉकडाउन रहेगा उसकी पूरी तनख्वाह देनी होगी, इंक्लूडिंग परमानेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। भारत सरकार से, चूंकि दिल्ली के अंदर भारत सरकार के भी दफ्तर हैं, भारत सरकार से संबंधित जो भी ऑर्डर होंगे वो भारत सरकार अपने अलग से निकालेगी, वो इसके दायरे में नहीं आएंगे। और जो भी कोई व्यक्ति इस ऑर्डर को लागू नहीं करेगा, इसको इसका उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, अभी तक काफ़ी ये सुनने में आ रहा है कि मास्क की और सैनिटाइजर्स की काफ़ी ब्लैक हो रही है। हम सरकार की तरफ से उन सभी लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसे वक्त में जब लोग इतनी विपदा में हैं, अगर आप इस तरह की कालाबाजारी करते हैं तो ये आप गलत काम कर रहे हैं, ना केवल कानून के खिलाफ बल्कि इंसानियत के खिलाफ। तो वो आप लोग, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वो इससे बाज आएँ और सरकार इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने में कोई कोताही नहीं बरतेगी। अभी तक हम 327 जगह रेड मार चुके हैं और 437 लोगों के खिलाफ हम अभी तक मामले दर्ज कर चुके हैं। तो मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है, हम समझ सकते हैं कि इन सब रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आपके ऊपर काफ़ी परेशानियां सब लोगों को उठानी पड़ेगी, लेकिन अगर इस वक्त हम लोगों ने ये कदम उठा लिया तो हम इसको फैलने से रोक पाएंगे। और अगर हम लोगों ने इस पूरी कार्रवाई से 10 लोगों की भी जान बचा ली, 20 लोगों की भी जान बचा ली, तो मुझे लगता है इट इज वर्थ इट। बस नहीं, थैंक यू वेरी मच। कुछ कुछ क्वेश्चन वगैरह हो, एनी क्लियर? ओके, थैंक यू। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी और उन्होंने बताया कि दिल्ली अब 31 तारीख तक के लिए पूरी दिल्ली लॉकडाउन में रहेगी। इस लॉकडाउन का उन्होंने मतलब भी समझाया, जो जरूरी सेवाएं हैं केवल वो चलेंगी। सुबह 6 बजे से दिल्ली में लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे, कोई बाहर से आ भी नहीं पाएगा, केवल जो जरूरी सामान की डिलीवरी होती है वो केवल वहां से चालू रहेगी, बाकी बॉर्डर्स दिल्ली के सारे सील हो जाएंगे। और इसके अलावा सारे प्रतिष्ठान, बाजार, दुकान, दफ्तर, सब कुछ बंद, केवल जरूरी सुविधाएं मिलती रहेंगी। ये आपको इस चीज के लिए आश्वस्त किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। खाने पीने की जो सामान की दुकानें हैं, किराने की दुकानें हैं, दूध के प्लांट्स हैं, ये तमाम चीजें चलती रहेंगी। खाने पीने की चीजों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, वो दुकानें चलती रहेंगी, लेकिन कोई भी खामखा सड़क पर अगर उतरा दिखाई देगा तो उससे पूछा जाएगा, और अगर कोई इन ऑर्डर्स का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ दिल्ली की सरकार कार्रवाई भी करेगी। बड़ी खबर है, बने हुए हम इसी बड़ी खबर पर। और आज जनता कर्फ्यू का दिन है, जो बड़ी कामयाब